कभी किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है, ये जो जनता है ना ये सबको आंसर करने के लिए खड़ी है। तुम নমস্কাৰ শিপুৰ গুৰিয়া জেঠালৈ স্বাগতম জনাইছো। আকৌ আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটি ব্লগ লৈ। সো শেষলৈ চাবৰ শেষত চাই জনাব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। আমি এতিয়া আমি যাব ওলাইছো ফেঞ্চি বজাৰ দা নিউজ প্লাছ নিউজ মানে নিউজ চেনেল এটাত। তাতে মানে অনামিকা মোৰ বান্ধৱী অনামিকাই এটা নিউজ কৰিছে UK 07 অনুৰাগ আহিব বুলি, আপোনালোকে সকলোৱে জানে চিনি পায়। সো তাত চেপনৰ পৰা আহি পাইছে ইতিমধ্যে, সেইকাৰণে মই খবৰ পালো যে এতিয়া যাব ওলাইছো। সো লগ পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো, ভগৱানে কৰক লগ পাওঁ বুলি। আৰু মোৰ মানুহজনক জান ওলাইছেনে তুমি বোলা 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 সোনকালে, আৰু লগ পাওঁ প্লিজ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি দিব। আৰু প্লিজ চাই থাকিব চাই থাকিব চাই থাকিব। এয়া অনামিকা, মই তাইৰ কাৰণে আহিছো আৰু বিৰাট ভাল লাগে তাই। আৰু এতিয়া বাবু ভাইক দেখুৱাম। আৰু আয়ু ক'ত গ'ল? আয়ু সোমালে নেকি? ইমান মানুহ भाई फोटो खींचने को नहीं मिलेगा इसलिए बोल रहे ले लेने दो जल्दी। भाई सबको एक एक फोटो मिल जाएगा। मैं दिल्ली से आया हूँ, थोड़ा इधर आइए। ये मेरा 13th प्लेस है, 13th स्टेट। और मेरे को 3 महीने हो गए ट्रैवल करते हैं और मुझे विदाउट मनी ही साइकिल नहीं लिफ्ट लेके। अच्छा लिफ्ट लेके? हाँ, कई बार नहीं मिलती। 3 महीने से तो घूम रहा हूँ। ये भारत यात्रा है, मैंने भारत यात्रा भी लिखा है सारा भारत। 29 स्टेट। पीयूष सिंह मेरा नाम है और मेरे चैनल का नाम है पीयूष सिंह ब्लॉग्स। और असम से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। और अभी आए हम लोग बाबू भैया से मिलने। अच्छा, आपका यात्रा क्या बोलते हैं, मैं इतना हिंदी नहीं जानती हूँ लेकिन तभी। आप कोशिश कर रहे हैं हिंदी बात करने की, वही तभी आपका यात्रा शुभ हो जाइए, जहाँ जहाँ जाइए अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा लगा आपको। आप सबको एक बार बस प्यार से सपोर्ट करके भाव भी ऐसे अगर मिलवा सकती है मुझे तो। आपको आप सेपन में गया था क्या? हाँ, ये दिखा था इसलिए। आपने टिंकू भाई बाबू का ब्लॉग देखा हो तो उसमें भी मैं देखा था इसलिए मैं पूछा ना अभी। अच्छा, थैंक यू। आपको नहीं पता होगा लेट पहुंचे, लेकिन ये लोग 2 घंटे पहले से वेट कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान है, भगवान छह बजे से हम लोग सबके साथ। ये लोग हमेशा मतलब वक्त से पहले मेरे लिए चले जाते हैं। इन लोगों ने बनाया मुझे तो ये मेरा परिवार है, यही बोलता हूँ। इंसान आप लोग जानना चाहते हो इसके बाद वो कहाँ जाने वाले हैं? अभी मत बताओ प्लीज, दिस इज अ टॉप सीक्रेट। मेरे को तो पता है लेकिन तुम लोगों को नहीं पता। मैं एक हिंट दे देती हूँ। नहीं है, मैं बताऊंगी वो राज। मैं हिंट दे देती हूँ, वो बहुत सुंदर एक जगह जो नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ ट्रेवल करने वाले हैं। और हमें हो गया, साइड कर लो
लेकिन जो भी आप लोग कंटेंट बना रहे हो यूट्यूबर्स के सामने आप क्या कहना चाहते हो, कितना इम्पोर्टेंट है यार? अगर मैं आज यहाँ तक पहुँचता हूँ, इतने लोगों के दिलों में पहुँचता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो कंटेंट ही था जो मेरे को यहाँ तक पहुँचा पाया। बिकॉज कोई इस दुनिया में तुम कितने सुंदर हो ये नहीं देखेगा, तुम कितने हॉट लग रहे हो कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी तुम काले हो गोरे हो किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम जैसे भी हो तुम्हारा कंटेंट तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा। अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा है तो पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा कंटेंट खराब है तो तुम कितने सुंदर हो, तुम कितना प्यारा बोलते हो, कोई तुम्हें नहीं देखने वाला। तो दिस इज एडवाइस जो लोग भी जो बहुत ये सब ये लोग यूट्यूबर्स ही खड़े यहाँ पर, तो ये एडवाइस है यूट्यूबर्स को कि जो भी अपना नया चैनल शुरू करें, फोकस ऑन द कंटेंट। एंड जो आसाम से जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं अभी भी ऊपर इंटरव्यू में बोला कि आसाम एक ऐसा रीजन है जो भी अनएक्सप्लोर्ड है, तो यहाँ की जगह ना अभी नहीं देखा लोगों ने, लाइक नॉर्थ ईस्ट की अनएक्सप्लोर्ड है। तो मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ऐसी जगह जाकर के एक्सप्लोर करो, ताकि नो मैं भी उत्तराखंड घर मैं जब उत्तराखंड हूँ ना, तो मैं इन सब लोगों के ब्लॉग से आसाम जय उत्तराखंड जय उत्तराखंड। আমার কেমেরার উপরেও ইয়াতে আরো বহুত কেমেরা আছে, বহুত বহুত আছে। গতিকে মানে ফিরছে আপনি পুছনা চাহি হে ঘর কে সাথে পুরা दुनिया ट्रैवल करना है, इस वॉट आई फील है। क्योंकि जब अभी फोर व्हीलर ले रहे थे, मेरे पापा मैं उस फैमिली से बिलोंग करता था नामे का, जहाँ पापा ने ना सैंट्रो चलाई है। तो आई गिफ्टेड माय पेरेंट्स, मैं पापा को भी सोनेट दिया था, तो उनके लिए ना वो एक हेलीकॉप्टर था। हार हम लोग अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते बिकॉज मेरे पापा की मंथली इनकम 40,000, उसमें से 25-30,000 घर का खर्चा था, 10,000 में आप अफोर्ड नहीं कर सकते रहे। ये इन्हीं लोगों के कारण ये गाड़ी इसी पे हम लोग आसाम तो घूम ही रहे, पूरी दुनिया भी घूम रहे हैं। डेफिनेटली हमारा शो भी खत्म होने का टाइम आ गया दी एंड कोई बिहू लगा दो यार, बिहू कुटुबा जाने व्यक्ति निहार गाय दिया बहुत बिहू 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 माघर बिहु भुगे रोई धेमाली करूती तो देखी মুরে নু পানি পড়া ঘর পানি তুকি থাকুতে মাজনী হাতত অধিয়ালয় পানি তুকি থাকুতে মাজনী মাজনী ভগবান পানি লগা জল বহুত অপেক্ষা করে আছে দর্শকসকলে। আর যেহেতুকে মানে যে ট্রোলিং হ্যান্ডেল করে এটা ইন্টারভিউ হয়েছে সকলে সুবিধা পাবো, প্যার করতে পারে বহুত হোক আসাম আতে হো তো ঘর কে দিদি দিদি ঘর কে বিল্ডল ভি আসি ঘর মে আমি আপনে ঘর মে হো নামে কা তো ঘর কে এখন দর্শকে ইয়াতে হেনু তেওঁৰ কাৰণে এটা গীত লিখি থৈছে, মই গীতটি আমি গীতটি শুনিম, আমি গীতটি শুনিম। সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিং কে বারে হম বাত কর রহে হ্যায়, ডেফিনেটলি সোশ্যাল মিডিয়া ট্রোলিং আপকো লাগতা হ্যায় আপনে কোই বাবু ভাইয়া কো না পছন্দ করে?
भगवान है, भगवान है। डेफिनेटली असम के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी फैन हैं, सब उनको भगवान मानते हैं, लेकिन देयर आर सम पीपल आउट देयर जो इनसे जलते भी है। उसका रीजन आप लोग जानना चाहते हो, बताएंगे एक फोटो। मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, अगर कोई आपसे जल रहा है या तो आप उससे बेटर कर रहे हो जिंदगी में, और वो वहाँ पर 100% राइट। कभी किसी को आंसर करने की जरूरत नहीं है, ये जो जनता है ना, ये सबको आंसर करने के लिए खड़ी है, तो मेरे को कभी नहीं बोलना पड़ता, ये लोग खुद ही हैंडल कर लेते हैं। গাড়িখনৰ চাবিটো ইতিমধ্যে আছে, গতিকে এই গাড়িখনৰ আচলতে বিশেষত্ব আৰু যিহেতুকে দেখা যায় যে এখন গাড়ী ইয়াৰ কষ্টিংটো কিমান পৰে, কাৰণ কাৰণ সপোন হয়তো বহুতৰ আছে, হয় নে এনেকুৱা এখন গাড়ী আছে আছে নে নাই জোৰকে मैंने अफोर्ड कर लिया, तो ये लोग तो मेरे से ये फरारी फरारी लेके घूमेंगे। अभी नेक्स्ट चाहिए, प्राइस कितना है और आपने कहाँ से खरीदा, कौन से डीलर से खरीदा, ये महिंद्रा शोरूम में मिल जाता है। अभी इस कार का थोड़ा वेटिंग ज्यादा है, बट ये आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 17.5। इसके बाद मॉडिफिकेशन आप जितना भी कराओगे, तो मैंने ऑलमोस्ट अभी 1.5 लाख रुपए मॉडिफिकेशन क्या मॉडिफिकेशन करवाया मुझे जाना है। नहीं यही हूँ भाई, फोटो चाहिए मत भैया, एक बार बजा दीजिए। गाइस अभी बाबू भैया दिखा रहे हैं अपनी थार, आगे से देखिएगा। अभी मिरर तो डाउन करो, मतलब आप स्टूडियो में यहाँ बैठ के भी स्टूडियो वाली फील ले सकते हो। मैं कई कई बार इतनी मीटिंग में यहीं से निपटाता हूँ, बिकॉज बहुत कभी इमरजेंसी में रहते, तो मैं लाइट खोलता हूँ यहीं से पूरा लाइटिंग कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम आप आगे देखेंगे तो वो ये एक बटन है यहाँ पर, तो जब आप एच आई डी जलाने के लिए बोल रहे हैं तो ये ऊपर वाली लाइट है, आप हाईवे में जब आप चल रहे होते हो तो रात को जितने भी गड्ढे गुड्ढे होते हैं वो आपको इन लाइटों से दिख जाते हैं। और क्या खासियत है, मेरे को बैठ के अच्छा लगता है, गाड़ी चलाना तो मुझे भी आता है, लेकिन आई वोंट इवन ट्राई टू ड्राइव दिस कार बिकॉज पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन वी वुड डेफिनेटली ट्राई अ राइड ऑन दिस सम टाइम। हम लोग एक दिन लाइव स्ट्रीम करेंगे, और कुछ बताइए, बस अभी कस्टम है, डैम्पिंग हुई है, म्यूजिक सिस्टम चेंज हुआ है, बट मेन है कि यू नो ये ऑफ रोड के लिए बनी है गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ ऐसे आप ट्रैवल कर रहे हो तो डोर्स में डैम्पिंग हुई है, एंड लाइटें का बहुत अच्छा सा हुआ है, एंड यू नो फिर लाइटों का मेन काम है अनामिका। ओके ओके, सो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आपने बोला है कि आपने 1-1.5 लाख रुपए का काम किया है यहाँ पे, तो क्या क्या और काम किया है? पीछे का म्यूजिक सिस्टम वो आपको दिखेगा नहीं, पूरा मतलब भंडार खड़ा हुआ है यार, पीछे पूरा घर है इनका। असम में और कितने दिन आप रहने वाले हो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जैक्टली, अभी अनामिका असम टूर का शुरू हुआ है, तो हम प्लानिंग की अभी नॉर्थ गुवाहाटी हम लोग कर लेंगे, एंड उसके बाद मेघालय और शिलोंग जो मेन है, बहुत लोग मेघालय से भी प्यार देते हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करके जाना है इस बार अनामिका। और जब आपके स्टोरीज आप डालते हो, जब आपने बोला कि आप हमारे चैनल पे आए हो, सारे लोग आए आपको देखने के लिए, इधर ही पहुंच गए, तो इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे व्यूज कितने आते हैं आज बता दो? मेरे को एवरेजली 1.5 लाख लोग देखते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, हर एक हर एक स्टोरी पे 1.5 लाख लोग, मजाक कर रहे हो क्या? मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरा बहुत ऑर्गेनिक ऑडियंस है, तो 1.5 लाख बहुत एवरेज है जो मेरे को देखते हैं, इसीलिए लोगों को ना बहुत शॉर्ट नोटिस पता है। मैंने यहाँ की स्टोरी केवल 2 घंटे पहले डाला था शायद, बट लोगों को पता, ऑर्गेनिक ऑडियंस, मैं वही बताया लोगों को, जब लोग आपसे इमोशनली कनेक्टेड है
तो 1.5 लाख कुछ भी नहीं है नामे का, लोग मिलियन में देखेंगे एक दिन को मेरा सपना। डेफिनेटली। और आपने जो हैप्पी भी हो, हैप्पी भी हो, कैसा लग रहा है कान का, सेफोन में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा बाबा। भैया एक गाना तो सुन लीजिए, आपके लिए गाना है अनुराग भाव भैया, एक गाना है आपके लिए, सुनो ना। ফ্রেন্ডস আমি ইয়াতে UK 07 ন আসলে নাম তো অনুরাগ, অনুরাগক লগ পাব আহতে ইয়াতে এটা দুজন লড়া লগ পাইছো, মোর বহুত বেশি ভাল লাগিলে। আর মানে চিনাকি নোহাকে মই এনেকে চাই আছো কিয় নাজানো কিয় এনেকুৱা চাই আছিলো, তারপর গম পাইছো তেওঁ তিনিচুকীয়ার হয় তেওঁলোক, সো ইমান ভাল লাগিলে। এয়া আহা লিমু ভাই, ইমান আর তোমার নাম তো সোনুজিৎ ল, ও তোমার তো শুনিছো মই দেখিছো দে, সো এই তেওঁলোকৰ চেনেল কেটা চাব। আর কি কবা কোৱা, কেনেকুৱা লাগিলে আজি? নহয় মোক প্রথমতে মই কওঁ, বাইদেউক লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। আর ইয়াত মানে ভবা নাছিলো মই আপোনাক লগ পাম বুলি, আপোনাকো মই চালো ব্লগার বুলি মোক মানুহবোৰে কলে মানে ইয়াত। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, মই চিনাকি বিচাৰিছিলো কিন্তু মই কি বুলি চিনাকি হ'ম পৰিছো। আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ দে। তো বাইদেউ, বাইদেউ আমাৰ চেনেল, মোৰ চেনেলটোৰ নাম হয় লিম্বু ভাই ৰাইডাৰ, প্লিজ মই দি দিম হা, মই ডেসক্রিপশনত দি দিম বাৰু। তাৰপিছত সাপোর্ট কৰিব লৰাকেইটাক, ইমান মৰম লৰাকে ব্লগ বনাইছে, গাইছ সাপোর্ট কৰে, লাইক দি কমেন্ট কৰে, আমাৰ চিনাকি হল তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। নাই একো নাই, আৰু কিবা কবা সাবো, বাইদেউ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব, লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰি দিম আমি। আ কি কৈছা জান, সো বাতে এক বাত আন্টি বহুত কিউট হে, লিম্বু ভাই রাইডাৰ, ওকে ঠিক আছে, আমি চাই আমি ডেসক্রিপশনত দি দিম, মোৰ মানুহে কৈছে না এনেকুৱা লাগিলে তেওঁলোকে লগ পাই। গৰিয়া আমাৰ ইফালৰ লৰা আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে, আমাৰ ইফালৰ লৰা হৈছে কে, আমাৰ ইফালৰ বুলি নহয় একচুৱেলি কষ্ট কৰিছে, কষ্ট কৰিছে সেইটোৱে, কষ্ট কৰিছে আৰু এই কষ্টটো মূল্য আপোনালোকে সকলোৱে দিব। আপোনালোকে ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে এবাৰ আমাৰ মানে আমাৰ মানুহক আমি সাপোর্ট কৰিলে বা আমি সহায় কৰিলে হয় না, আমি সবেই সবকে সহায় কৰিব লাগে সেইটোৱে কথা, আমি যদি সাপোর্ট নকৰো আমি যদি সহায় নকৰো হয় না, সেইকাৰণে এই লৰাটোক সহায় কৰিব। এই লৰাটো বুলি নহয় যিমান অসমত যোনে ব্লগ বনাইছে সবকে, যোনে ইউটিউব চেনেল আছে সবকে সহায় কৰক যাতে ইউটিউবৰ সোৱাদটো ভালকৈ হয় না, সো সেয়াই আৰু কি কম, বেছি কথা নকওঁ। এতিয়া UK 07 এইফালে দি আহিব, আমি ৰখি আছো। অৰ্জন কৰোঁ